और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार 37 करोड़ लोगों को था। आजादी तो मिली पर मुल्क दो हिस्सों में बट गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के बाद नेहरू जी ने रेडियो पे शांति और भाईचारे का संदेश दिया, पर असल में शांति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देखा राय साहब, नेहरू जी ने कितनी चंगी तरह हालात नु संभालने आएगा। शहर में कोई बहुत ज्यादा वड्डी वारदात नहीं हुई। ऐसा आपको घर बैठे लग रहा है लाली जी, पर अफसोस गलियों में कुछ और ही घट रहा है। ये क्या है? उदय वीर जी के कपड़े हैं। पशमा, बच्चे को अपने पिता के कपड़े पहनाना शगुन माना जाता है। हाँ अमृत, हिंदुस्तान की तरह मैं भी आजाद हूं। मैं अपने बच्चे को उसके वालिद के कपड़े जरूर पहनाऊंगी। मैं उसे बिल्कुल उदय की तरह बनाऊंगी। ओए अब्दुल, मेहमानों के चाय नाश्ते का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? जी बाबूजी, हो गया। भानु पंडित जी कब तक आ रहे हैं? बस आते ही होंगे। ये बाकी की जो लड़ियां ना, इसको भी लंबी कर और गेट पे भी लगा फूल। हाँ और पुत्र, सरोज बाबू पहुंची नहीं अब तक? बाबूजी, वो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन दंगाइयों ने चलने नहीं दी। कुछ थे अबरार जैसे जुनूनी लोग, स्टेशन पे ही मारकाट शुरू हो गई और वो वहीं रुक गई। ठीक है, तुम अंदर जाके कुछ खा पी ले। जी राजी, ऐसे माहौल में ब्याह करवाना ठीक रहेगा? और ब्रिज, ये जो दंगाई है ना, जहाँ इनका बस चलता है वहीं करते हैं दंगे फसाद। पूरे लाहौर में रुतबा है अपना, मजाल है कोई हथला जाए, राधा तो पहुंच जाएगी ना ब्याह तक। वो कुछ कह नहीं सकते प्राची, वो उसके मामे की तबीयत अभी भी खराब ही चल रही है। आपको पता था क्या हुआ? आपको पता था ना वशमा के पेट में उदय का बच्चा पल रहा है? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? फारूक मियां, मुझे जरार भी इल्म नहीं था इस बात का। उदय के किए की सजा हम उसके पूरे खानदान को देंगे। फारूक मियां, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपका इरादा क्या है? दंगों की आग में उदय के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस को नहीं पता, लेकिन हम तक खबर पहुंच चुकी है। इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, और उस बड़े की आड़ में ये छोटा सा हादसा तो आसानी से हो जाएगा। पर ध्यान रहे, उदय सहनी को काटने से पहले तड़पाना है। छटपटाएगा वो जब हम उसके किए की सजा उसकी बहन को देंगे। अब एक काम करिए, अपने आदमियों को इकट्ठा कीजिए, बंदूक खंजर तलवार जो मिले लेकर आने को बोलिए। हम भी कुछ हथियारों का इंतजाम करते हैं। ठीक है। भाईजान, लाहौर में दंगे शुरू हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अबरार भाईजान,
चलिए आपके घर से हमें कुछ उठाना है, चलिए। भाऊजी, कहते हैं कि विदा करने से पहले हर बाप अपनी बेटी को मुंह मांगा तोहफा देता है। आप मैनू मेरा तोहफा नहीं देंगे? क्यों नहीं दूंगा, मांग ले जो मांगना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहली बार मुझे घोड़ा गाड़ी की सवारी कराई, क्या आज वो अपने हाथों से मुझे डोली में विदा नहीं करेंगे? तू सच ही कहता था कि ये रंग तेरे पे ज्यादा जचता है। मैं तुझे अमृत के ब्याह का निमंत्रण देने ही आ रहा था। डॉक्टर कह तो ऐसा रहा है जैसे तेरे बिन बुलाए मैं अपनी बेटी के ब्याह में नहीं आता। तू तो पहले से ही अकलमंद है, पर मुझे अकल देने वाली ये अमृत, इसके कहे पे ही मैं तेरे पास आ रहा था। ओए, तू चल और बता मैं तेरे ब्याह में कौन सी चूड़ियां पहनूं। चाहती हूँ। अबरा, मुझे गोडाउन जाना है, अमृत के ब्याह के लिए मटके चाहिए वहां से। नहीं नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। ओए, क्या हुआ? तू जा वशमा, मैं आती हूँ, जल्दी आना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चले जाता हूँ, मैं ले आता हूँ मटके। ठीक है फारूक मियां, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अब्बा जान को रोक लिया। अगर वो गोदाम में पहुंच जाते हमारा भांडा फूट जाता। अच्छा किया हमारे पास वक्त कम है, हथियार निकालिए। जी हथियार यहाँ अब्रार भाईजान के घर पर, कहीं इसका लेना देना गोडाउन से तो नहीं? क्या हुआ वशमा? वशमा, मुझे अपना बुरखा ला कर दे। पर क्यों वशमा? वक्त नहीं है, मुझे जल्दी अपना बुरखा ला कर दे। अमृत, राधा जी, चाची, आप यहाँ कैसे आए? ये सब कैसे हुआ? चाची कुछ बोलिए, ये किसने किया? बोलिए राधा जी। चाची, हमारा वतन जल रहा है और वो लाला हमारी नाक के नीचे जश्न मना रहा है। हम यहाँ वतन को बचाने के लिए सड़कों की खाक छान रहे हैं और वो मसाले का व्यापारी अपनी बेटी के शादी की खुशियाँ मना रहा है। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। हल्ला मचाने से नहीं, तलवार उठाने से कुछ होगा। ये तलवारें सूखी नहीं जानी चाहिए, खून चाहिए इन्हें। तो क्या हम खून बहाएंगे? ये शादी नहीं होगी, नहीं होने देंगे, शादी शादी नहीं होगी। चलो चलो। शनकार सुन रही है इनकी? तुसी इतना खुश कैसे हो सकते हो बीजी? क्योंकि उनकी खुशियों वाली हवेली आज तेरी बीजी के नाम हो जाएगी। कुछ घंटों में देखना, राजी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से दफा हो जाएंगे। उसके बाद
उसके बाद ये कोठी मेरी हो जानी है। तो माँ बेटी राज करेंगे राज। ओए रब रब रब। पता नहीं राधा चाची क्या बताना चाह रही थी। चला दो सारी दुकानों को। भाईजान वो राधा कहीं भाग गई क्या? बाकी के फेरों के लिए दुल्हन आप आगे आइए। फारूक की ना बातें सुन ली थी, उन्होंने कहा कि दंगों की आड़ में तुम्हें मारना चाहते हैं। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों को ये गुनाह नहीं करने दूंगा। गुनाह वो है जो आप कर रहे हैं। अगर उनमें से आज कोई भी बच के निकल गया तो हम अब्बू भाई हमारे शुक्र है अपराध। कम से कम इस भीड़ में तुम्हें कोई अपना तो नजर आ रहा है। रास्ता छोड़ दीजिए अब हमारा। फारूक कहां गए सबके सब? यही कहीं होंगे सब। घर का चप्पा चप्पा ढूंढ लो और जो भी मिले काट डालो। मम्मी फारूक मियां, अरे उधर का दरवाजा खुला है, वहां कोई नहीं होगा। किसने किया आपके साथ ये? वो लोग मुझे बांध कर बस अड्डे की ओर भाग गए। वो एहसान फरामोश ने मेरे मुंह को भी बांध दिया ताकि मैं चिल्लाकर तुम लोग को बुला ना सकूं। चलो बस अड्डे की ओर चलो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। 10 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि हम लोग घर छोड़ के नहीं गए बल्कि यहीं घर में छुपे हैं। जितना जल्दी हो सके हम सबको यहां से चलना चाहिए। चलिए मौकर बेचारी की करे जीपों के पीछे फटती पड़े। सुन ते मेरी लाजली बहन है, तेनू बचाना तो मेरा फर्ज बनता है। मगर सोच की रही है जल्दी से बैठ जाना। कुछ दिनों की बात है फिर तो तेनू आके हवेली को संभालना है ना। हाँ, हाँ। चल चल चल। अरे जल्दी अंदर बैठिए, गाड़ी पता ना ना, जल्दी अंदर बैठिए। बाजी गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। मैं इन हालात में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और इस हालात में मैं अमृत को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ?
मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अमृत को अपने साथ लेके आऊंगा और आप लोगों से जल्दी मिलूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ना तुझे कुछ देना है, मैं तो संभाल के रखा था, सोचा था तेरे ब्याह के टाइम पर तुझे मिलूंगी। अगर अगर दंगों में हमें कुछ हो गया और हम नहीं मिल पाए थे, इसे अपने पास रखकर इसे संभाल कर रखना। ये क्या है? ये आपकी फोटो तेरी जेब में थी। अगर तुझे नहीं हो पा रहा है वशमा, मुझसे नहीं बुला पा रहा हूँ मैं तुझे, तुझे वहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं वशमा। मैं पूरी दुनिया को देख लूँगा वशमा, तू चल मेरे साथ, मेरे होते ही ना तुझे ना इस बच्ची कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तू चल मेरे साथ। अगर जान जानी ही है ना तो पहले मेरी जाए, चल। अगर मरना पड़ा ना तो तेरे साथ मरूंगी उधर, क्योंकि तुझसे दूर रह के भी जिंदा नहीं थी। हाँ चलूंगी मैं तेरे साथ। जल्दी जल्दी आगे, जल्दी जल्दी चलाइए आगे। बाकी बाकी क्या हुआ? अबे एक सेकंड राजानी, तू इत्थे इस वक्त? मैनू पता है तुसी अपना लाहौर छड़ के नहीं जा सकते, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चली आई जी। राजानी है, इस लाला रतन किशोर सानी ने जिंदगी दो बार मोहब्बत की है, एक बार अपने लाहौर से और आखिरी बार अपनी राजानी से। जब हम थे तो इन गलियों में हम ही हम निकले, न रहे तो इन्हीं गलियों में दम निकले। बच के निकल जाते तो जिंदा रहते, इस बात का मन से भरम निकले। हेलो, उधर कहाँ जा रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को लेने जा रहा। ऐसे मार दिए जाओगे? लाहौर और आसपास के कई शहरों से दंगों की खबरें सामने आ रही है। मजहब के नाम पर किए जा रहे इन दंगों। अरे भाई जान, आप तो बिल्कुल हम जैसे लग रहे हो। मजहब की तलवार ने बेशक बांट दिया हमें, लोग बेघर हो चुके हैं, पर होते तो इंसान सब एक जैसे ही है। मदद के लिए शुक्रिया भाई जान। कभी भी ऐसे ना पड़ो, हमेशा खंजर को ऐसे पड़ो और ऐसे बात करो। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मम्मी जी और पांची तक नहीं जाना चाहिए था तुझे।
पानी 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 लो जी पी लो पानी। हाय रब्बा वशमा लाओ इधर। नहीं तुम्हारे लिए पानी नहीं है। हाय रब्बा ये क्या बात हुई, अब ताबीज क्यों देख रहे हो, इंसान की प्यास देखो ना। ओए पानी का कब से मजा बोलने लगा, लफड़ा पानी। नहीं 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 मुझे प्यास नहीं लगी, आप इन्हें दे दीजिए। ओके मैं दे। नहीं पहले इस लड़की को मेरे हवाले कीजिए, बाद में पानी मिलेगा। बहुत लड़कियों को मारा इन्होंने हमारी, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। ओए ये भी किसी की बेटी है, इसको मार के बदला पूरा हो जाएगा तेरा। दे चल पानी। तुम अपने हो इसलिए समझा रहा हूँ, और इस लड़की को शरण देने वाला वो भी हमारा दुश्मन कहलाएगा, और दुश्मन की हम मदद नहीं करते हैं। वो तेरा दिमाग खराब है। अरे छोड़ छोड़ इतना तू, क्यों मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है तू, है तो ये दूसरों की औलाद ना। और कौन सा वो बंदा कुछ गलत बोल के गया, आज इनकी वजह से हम बेघर हैं, इन्हीं की वजह से हमारी जान के लाने पड़े हुए हैं। और तू तू चल निकल दे यहाँ, वशमा का हाथ छोड़िए। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ वशमा या उसके बच्चे को यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। ओए तो दूसरों के वंश को बचाएगा। हाँ जी तो वो अकेली क्या करेगी, कहाँ भेजेंगे उसको। इसमें उसका नहीं आपके वंश का बच्चा है। राधा चाची चुप हो जाइए, रुक जाओ अश्मा, इसके पेट में सिर्फ इसका नहीं उदय पुत्र जी का बच्चा है। उदय पुत्र जी और वशमा प्यार करते हैं एक दूसरे से। और दोबारा इसको दूर भेजने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। अमृत काश तुम अपने माँ और बाबूजी के एक आखिरी बार दर्शन कर पाती। माफ कीजिएगा लाला जी, मेरे पास न चंदन का टीका है न गंगा जल, बस एक पवित्र मन है। ठीक है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, आपको कहीं लगी तो नहीं है? नहीं। आप जल्दी मेरे साथ घर चलिए, वो मम्मी जी और बाबूजी पर दंगा ही उन्हें हमला कर दिया था, हमें उन्हें ढूंढना होगा, आप चलिए। जितनी जल्दी हो सके अब यहां से निकलना होगा। और तेनू पता था उदय और वशिमा के रिश्ते के बारे में? ओ जी मैंनू पता भी था, ते मदद भी कर रही थी पुत्र जी की, पर पति जी माफ कर दो, उनको बचाने के चक्कर में मैं रात रात भर छुप कर बाहर भी निकली हूँ, और आपकी अलमारी से मैंने राशन कार्ड निकाल के भी दिया था। मैं पता नहीं क्या क्या समझता रहा, वो मेरे जैसे कमीने बंदे को तो माफी मांगने का भी हक नहीं है। ओए तू इतनी बड़ी गल छुपाई मेरे नाल, ये मेरा बच्चा,
हमारा बच्चा ही है। हाँ उदय, मैंने तेरे सिवा किसी को छूने तक नहीं दिया अपने आप को, और अगर ऐसी नौबत आती ना तो अब तक मैं अपनी जान दे चुकी होती। आंधी लोड नहीं। वशमान नु देखना है जी, हट जाओ। आजो जी आजो। भाई आपका बहुत शुक्रिया, रब आपका भला करे। कोई बात नहीं, आप उधर को जाओ, जाओ निकल जाओ, उधर उधर निकल। वहां मैंने बोला हिला मत, एक एक को मार दूंगा मैं। बाबूजी उठ जाओ, बाबूजी सर, बाबूजी। यहाँ दंगा नहीं किया जा सकता, पुलिस की कड़ी निगरानी है, लेकिन ये गाड़ी भी तो 5 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी, कैसे रोके आप अमित को? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।